मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय देश की एस्पिरेशंस को पूरा करने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं, लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। शिक्षा नीति से जितना शिक्षक जुड़े होंगे, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र छात्राएं जुड़े होंगे, उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 4-5 साल उसके पूर्व यह काम शुरू हुआ था। देश के लाखों लाख लोगों ने, शहर में रहने वाले लोगों ने, गांव में रहने वाले लोगों ने, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों ने इसके लिए अपना फीडबैक दिया था, अपने सुझाव दिए थे। शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसके अलग अलग पॉइंट्स पर भी 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए थे, यानी अभिभावक, छात्र छात्राएं, शिक्षाविद, शिक्षक, शिक्षा प्रबंधक, प्रोफेशनल्स सभी ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। इतना गहरा, इतना व्यापक, इतना विविधताओं से भरा हुआ मंथन के बाद अब ये जो अमृत निकला है, इसलिए ही अब हर ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत हो रहा है। गांव में कोई शिक्षक हो या फिर बड़े बड़े शिक्षाविद, सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी शिक्षा नीति लग रही है। सभी के मन में एक भावना है कि पहले की शिक्षा नीति में यही सुधार तो मैं होते हुए देखना चाहता था। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकारता की एक्सेप्टेंस का मूल कारण यही है। शिक्षा नीति क्या हो, कैसी हो, उसका स्वरूप क्या हो, ये तय करने के बाद अब देश एक स्टेप और आगे बढ़ा है। अब पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है, संवाद हो रहा है। ये व्यापक विचार विमर्श इसलिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में ही बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है। जाहिर है, इस बड़े संकल्प के लिए हमारी तैयारियां, हमारी जागरूकता भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए।
आप में से अधिकांश महानुभाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारीकियों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इतने बड़े रिफॉर्म्स की बारीकियां उसके लक्ष्य पर निरंतर बात करना अभी उतना ही आवश्यक है। सारे संदेहों और सवालों को सुलझाते हुए ही देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगा। माननीय, आज दुनिया भविष्य में तेजी से बदलते जॉब्स, नेचर ऑफ वर्क को लेकर व्यापक रूप से चर्चा कर रही है। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। इसमें फाउंडेशनल लर्निंग और लैंग्वेज पर भी फोकस है। इसमें लर्निंग आउटकम्स और टीचर ट्रेनिंग पर भी फोकस है। इसमें एक्सेस और एसेसमेंट को लेकर भी व्यापक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसमें हर स्टूडेंट को एम्पावर करने का रास्ता दिखाया गया है। एक तरह से देखें तो ये वन साइड फिट्स ऑल की अप्रोच से हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकालने का एक मजबूत प्रयास है। और आप सभी जो दिग्गज भी ये महसूस करते हैं कि ये प्रयास असामान्य है, सामान्य नहीं है। बीते दशकों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी कमियां हमें दिखती थी, जो भी समस्याएं हमको लगती थी, उनको दूर करने के लिए विस्तार से इस पॉलिसी में चर्चा की गई है। अब जैसे लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्जाम के बोझ तले परिवार और समाज के दबाव तले दिनों दिन दबे जा रहे हैं। इस पॉलिसी में इस समस्या को प्रभावी तरीके से एड्रेस किया गया है। हमारे यहां तो कहा भी जाता है कि सा विद्याया विमुक्तये, यानी नॉलेज वही है जो हमारे माइंड को लिबरेट करें। जब फाउंडेशनल स्टेज पर ही बच्चों को उनके कल्चर, भाषा, परंपरा से जोड़ा जाएगा तो शिक्षा अपने आप ही प्रभावी होगी, सहज होगी और बाल मन उससे खुद को जुड़ा हुआ पाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारे सही मायने में बिना दबाव के, बिना अभाव के और बिना प्रभाव के सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है। जैसे स्ट्रीम्स को लेकर
जो बच्चों पर दबाव रहता था वो अब हटा दिया गया है। अब हमारे युवा अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से पढ़ाई कर सकेंगे। वरना पहले होता यह था कि दबाव के कारण विद्यार्थी अपनी क्षमता के बाहर की कोई और ही स्ट्रीम चुन लेते थे, और जब तक उनको रियलाइज होता था तब तक बहुत देर हो जाती थी। परिणाम यह होता था कि या तो विद्यार्थी थक हार कर ड्रॉप कर लेता था, या फिर जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेता था, समय बिताता था। इससे किस प्रकार की समस्याएं हमारे देश में पैदा होती रही हैं, ये कितनी समस्याओं की जड़ है, मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, भलीभांति जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी समस्याओं का समाधान तो है ही। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से भी छात्रों को बहुत लाभ होगा। मान्यवर, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए युवाओं का स्किलफुल होना बहुत ही जरूरी है। छोटी उम्र से ही वोकेशनल एक्सपोजर मिलने से हमारा यूथ भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार होगा। प्रैक्टिकल लर्निंग से हमारे युवा साथियों की एम्प्लॉयबिलिटी देश में तो बढ़ेगी ही, ग्लोबल जॉब मार्केट में भी हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होगी। हमारे यहां कहा गया है, आनो भद्राहा कृतवो यंतु विश्वतः, यानी अच्छे विचार जिस दिशा से भी आए उनको ग्रहण करना चाहिए। भारत तो प्राचीन काल से नॉलेज का एक ग्लोबल सेंटर रहा है। 21वीं सदी में भी भारत को हम एक नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयासरत है। नई शिक्षा नीति इस संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में बड़ा कदम है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ब्रेन ड्रेन को टैकल करने के लिए और सामान्य से सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए भी बेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कैंपस भारत में स्थापित करने का रास्ता खोला है। जब देश में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टॉप कैंपस हो आएंगे तो पढ़ाई के लिए बाहर जाने की प्रवृत्ति भी कम होगी और हमारे अपने यूनिवर्सिटीज कॉलेज भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। इसका एक और पहलू ऑनलाइन एजुकेशन भी है, जिससे पढ़ाई लिखाई के लिए लोकल हो या इंटरनेशनल, हर प्रकार की सीमाएं समाप्त हो जाती है। माननीय, जब किसी भी सिस्टम में इतने व्यापक बदलाव होते हैं, जब एक नई व्यवस्था बनाने की तरफ हम बढ़ते हैं, तो कुछ शंकाएं आशंकाएं स्वाभाविक ही है। माता पिता को लगता होगा कि अगर इतनी आजादी बच्चों को मिलेगी, अगर स्ट्रीम खत्म हो जाएगी, तो आगे कॉलेज में उनको दाखिला कैसे मिलेगा, उनके बच्चों को कैरियर का क्या होगा। प्रोफेसर्स टीचर्स के मन में सवाल होंगे कि वो खुद को इस बदलाव के लिए तैयार कैसे कर पाएंगे, इस प्रकार का पाठ्यक्रम कैसे मैनेज हो पाएगा। आप सभी के पास भी अनेक सवाल होंगे जिन पर आप चर्चा भी कर रहे हैं।
ये सवाल इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े ज्यादा है। जैसे इसमें करिकुलम डिजाइन कैसे हो पाएगा, स्थानीय भाषाओं में सिलेबस और कंटेंट कैसे तैयार हो पाएगा, लाइब्रेरीज को लेकर डिजिटल और ऑनलाइन कंटेंट और पढ़ाई को लेकर जो बातें इसमें रखी गई हैं, उन पर कैसे काम होगा, कहीं साधन संसाधन के अभाव में हम अपने लक्ष्यों से चूक तो नहीं जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी अनेक प्रकार के सवाल आप सभी के मन में स्वाभाविक रूप से होंगे। ये सभी सवाल महत्वपूर्ण भी हैं। हर सवाल के समाधान के लिए हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी लगातार संवाद जारी है। राज्यों में भी हर स्टेक होल्डर की पूरी बात, हर राय को, फीडबैक को खुले मन से सुना जा रहा है। आखिर हम सभी को मिलकर ही तो तमाम शंकाओं और आशंकाओं का समाधान करना है। जिस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी का विजन लेकर के ये पॉलिसी आई है, उसी प्रकार मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी हम सभी को भी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी दिखानी होगी। ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति किसी सरकार की नहीं, देश की विदेश नीति होती है, रक्षा नीति किसी सरकार की नहीं, देश की रक्षा नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी कौन सरकार है, किसकी सरकार है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, उसके आधार पर नहीं चलती है। शिक्षा नीति देश की ही नीति होती है और इसीलिए 30 साल के बाद, बीच में कई सरकारें आई, 30 साल के बाद आ रहा है, क्योंकि ये सरकारों के बंधनों में बंधी हुई नहीं है, ये देश के एस्पिरेशन से जुड़ी हुई है। माननीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तेजी से बदलते हुए समय को देखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार गांव गांव तक हो रहा है, देश के गरीब से गरीब को, हर वंचित पिछड़े आदिवासी तक आधुनिक टेक्नोलॉजी पहुंचती जा रही है, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन और नॉलेज तक का एक्सेस भी बढ़ रहा है। आज मैं देखता हूं कि वीडियो ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो स्ट्रीमिंग साइट पर अनेक युवा साथी ऐसे ऐसे चैनल चला रहे हैं, हर विषय की ऐसी बेहतरीन कोचिंग उपलब्ध करा रहे हैं जिसके बारे में पहले गरीब घर का बालक या बालिका सोच भी नहीं सकते थे। टेक्नोलॉजी तक होने वाली इस पहुंच से क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन की एक बहुत बड़ी समस्या तेजी से कम होती जा रही है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को ज्यादा प्रमोट करें। मान्यवर, कोई भी सिस्टम उतना ही इफेक्टिव और इंक्लूसिव हो सकता है जितना बेहतर उसका गवर्नेंस मॉडल होता है। यही सोच एजुकेशन से जुड़ी गवर्नेंस को लेकर भी ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है।
कोशिश ये की जा रही है कि हायर एजुकेशन के हर पहलू, चाहे एकेडमिक हो, टेक्निकल हो, वोकेशनल हो, हर प्रकार की शिक्षा को साइलो से बाहर निकाला जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर्स को कम से कम रखा जाए, उनमें अधिक समन्वय हो, ये प्रयास भी पॉलिसी के माध्यम से किया गया है। हायर एजुकेशन के रेगुलेशन को भी इस पॉलिसी के जरिए और सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। ग्रेडेड ऑटोनॉमी के कंसेप्ट के पीछे भी कोशिश यही है कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के बीच हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज किया जाए और जो संस्थान बेहतर परफॉर्म करते हैं उनको रिवॉर्ड किया जाए। अब हम सभी का यह सामूहिक दायित्व है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की इस भावना को हम लेटर एंड स्पिरिट से लागू कर सके। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि 25 सितंबर से पहले अपने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की यूनिवर्सिटीज में ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाए। प्रयास यही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर समझ निरंतर हम समझते चले, हमारी समझ बेहतर हो सके, इसके लिए प्रयास हो। एक बार फिर आप सभी को अपना समय निकालने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।